पूर्व जिले में कामा कस्बे में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर जताई नाराजगी। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता कस्बे के गांधी पार्क में इकट्ठे हुए और बैठक का आयोजन कर एसडीएम कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। डोंग विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जवाहर सिंह बेड़म ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा स्वीकृत सड़क मार्ग गौरव पथ आदि पर जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें या तो छोड़ दिया जाए या फिर बंद करवा दिया जाए। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार व्यवहार कार्य में किसान फसली ऋण माफी बेरोजगारी मुख्य है। सभी जगह सड़कें टूटी पड़ी है लेकिन सड़कों के लिए पैसा लगातार उठाया जा रहा है। विकास के कार्यों के लिए केवल बिल पास हो रहे हैं लेकिन जमीनी कार्य कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रकट किया। कुशासन के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने कामा पंचायत समिति मुख्यालय पर उनके द्वारा जनता के विरोध में किए गए कार्यों को उजागर करते हुए उनकी नाकामी को उजागर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 365 दिन का फेल्योर और हमने 365 मीटर का मार्च करके कांग्रेस की नींद को खोलने का काम किया है। जिस तरह से कामा विधानसभा क्षेत्र में विधायक के संरक्षण में कोऑपरेटिव बैंकों में लूट मचा रखी है, थाने तहसीलों में दलाली का आलम है, महिला अत्याचार बढ़े हैं, दलित अत्याचार बढ़े हैं, यहाँ पर लूट और नकबजनी की घटनाएं जिस तरह से हुई हैं, रोजाना टटलूबाजी की घटनाएं बढ़ी हैं, रोड यहाँ के टूटे पड़े हैं, कनेक्टिविटी घटती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितने भी विकास के काम स्वीकृत हुए थे उन सारे विकास के कार्यों को रोक दिया गया है। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इकट्ठे हुए और जिस तरह से परसीमन के दौरान उन्होंने तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए गांवों से इधर जोड़ने का काम किया, सबके विरोध में बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, किसानों का कर्ज माफ किया नहीं, सारी समस्याओं को लेकर आज राज्यपाल के नाम एसडीएम कामा को ज्ञापन दिया गया है कि इस सरकार की नींद खुले और जनता के काम करें। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।